हेलो गाइस, माय सेल्फ संजय, वेलकम टू माय चैनल मैकेटिक साइंस। आज बात करूंगा कैसे आप मेसिंग कर सकते हो और कैसे आप जियोमेट्री के ऊपर मेस क्रिएट कर सकते हो। मेरा जो पहला वीडियो था एनसीएस के ऊपर वो है कैसे आप जियोमेट्री क्रिएट कर सकते हो 2D, और जियोमेट्री के आप कैसे सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए। तो मेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो मेस है इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के साथ साथ आपके यहाँ पे लिखा है स्टार्ट मेसिंग, तो थोड़ा सा टाइम के अंदर आपका जो मेस पैनल है, मेसिंग पैनल है, वो खुल जाएगा। जब मेस को आप डबल क्लिक करोगे तब आपके सामने ठीक ऐसा एक पैनल खुल जाएगा। पैनल खुलने के साथ साथ कुछ टाइम लोडिंग के बाद ऐसा एक ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाएगा। आप जो ऑब्जेक्ट को जियोमेट्री पे ड्राइंग किए थे, जिस ड्राइंग को आप सरफेस में ट्रांसफर किए थे, वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं मेस होता क्या है। मेसिंग बेसिकली आप जो ऑब्जेक्ट को ड्राइंग किए हो और आप जो ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एनालिसिस करना चाहते हो, उस ऑब्जेक्ट के आप कुछ लाइन में डिवाइडेड कर दो, और कुछ लाइन और कुछ बॉक्स में डिवाइडेड करने के बाद क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट और नोड्स आप पा जाते हो। ऐसा एलिमेंट और नोड्स पाओगे, आपका जो सॉल्यूशन होता है वो हर एक नोड्स पे, हर एक एलिमेंट पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस पे क्या होता है, इससे आपका आप जब मेस को बहुत सारा इंक्रीज करोगे तब क्या होता है, आपका जो रिजल्ट आता है वो बहुत एक्यूरेट होता है। तो मेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए मेस को क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का आपको फ्रंट व्यू पाना है। तो फ्रंट व्यू पाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो जेड है इस पे क्लिक करना है। जेड एक्सिस क्लिक करने के बाद आपके सामने ठीक ऐसा आपका ऑब्जेक्ट का जो फ्रंट व्यू वो आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हर एक एज का आपको नाम देना है, हर एक एज को आपको नेम सिलेक्शन करना है। उसके बाद ही आप मेस क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज नाम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जब आप उसके ऊपर सॉल्यूशन डालोगे और सेटअप क्रिएट करोगे तब वो आपके सामने जो आएगा वो नेम आएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे नेम को सिलेक्शन करना है। तो नेम को सिलेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाना होगा, उसके बाद राइट क्लिक करना होगा। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने ठीक यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट नेम सिलेक्शन, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसका नेम भी दे सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे इसका नेम दे रहा हूँ बॉडी, तो ये मेरा बॉडी है। बॉडी को क्लिक करने के बाद उसके बाद ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे जो नेम सिलेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बॉडी को क्लिक करने के बाद आपका जो बॉडी जिसके ऊपर आप नेम सिलेक्शन किया हो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये जो एज है इसको हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस एज को नाम देने के लिए, एज को नाम देने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे जो एज है इसको क्लिक करना है। उसके बाद एज में जाना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे जो क्रिएट नेम सिलेक्शन है इस पे जाना है। तो ये मेरा इनलेट है, इनलेट को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद मैं इस टॉप वॉल को भी नाम सिलेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद क्रिएट नेम सिलेक्शन पे जाना है, ये मेरा टॉप वॉल है, उसके बाद ओके करना है। उसके बाद ये मेरा बॉटम वॉल है, बॉटम वॉल पे जाने के बाद आपको क्रिएट नेम सिलेक्शन पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद ये जो है मेरा आउटलेट है, इस पे जाने के बाद आपको क्रिएट नेम सिलेक्शन पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम क्रिएट करना है, उसके बाद ओके करना है। उसके बाद अब जब ये पे जो प्लस साइन है इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो, ये जो है मेरा बॉडी है, ये जो है मेरा इनलेट है, ये जो है मेरा टॉप वॉल है, ये जो है मेरा बॉटम वॉल है, और ये जो है ये मेरा वॉल है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो मेस है इस पे क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो साइजिंग है इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो कोरस है इसको चेंज करके सबसे पहले आपको फाइन में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं चेंज करना है, आपको सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जेनरेट मेस पे क्लिक कर देना है। तो ये मेस जेनरेट हो रहा है।
तो ऑटोमेटिकली ये एक मेस ऑटोमेटिकली आपके सामने जेनरेट हो जाएगा। ये मेस क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हो, तो ये जो है ना ये डिफाइंड नहीं है, इस मेस का साइज भी बहुत बड़ा है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो एलिमेंट, ये एक यहाँ पे आपको बोल दूँ कौन सा है एलिमेंट और कौन सा है नोड, उसको आपको क्लियर कर लेता हूँ। ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं नोड, और ये जो छोटा बॉक्स है इसको कहते हैं एलिमेंट। तो आप देख सकते हो ना एलिमेंट और बॉक्स का जो नंबर है वो, इसके लिए आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में जाना होगा। जाने के बाद आप देख सकते हो नोड का जो वैल्यू है 1518 और उसका एलिमेंट का वैल्यू है 1430। तो ये जो है ये मेरे को चेंज करना है और बहुत रिफाइन करना है। तो रिफाइन करने के बाद अब क्या होगा, रिफाइन करने के बाद ये जो मेस, और ये जो मेस क्रिएट होगा ये बहुत यूनिफॉर्म होगा, जिसको यूज़ करके आप बहुत एक्यूरेट रिजल्ट पा सकते हो। अभी ये 1518 नोड्स एंड 1430 इसका एलिमेंट है। तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, रिफाइन करने के लिए सबसे पहले मेस में जाना है। मेस पे जाने के बाद राइट क्लिक करना है, इंसर्ट पे जाना है, रिफाइनमेंट में जाना है। रिफाइनमेंट में जाने के बाद, रिफाइनमेंट में जाने के बाद ये पे जो लिखा है जियोमेट्री नो सिलेक्शन, इस पे जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सबसे पहला जो काम करना है आपको यहाँ पे इस सरफेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है रिफाइनमेंट, इस ऑर्डर को चेंज करके आपको 3 लिखना है। 3 लिखने के बाद, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना होगा, इस मेस पे जाना है। मेस पे जाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो जेनरेट मेस है इस पे क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम के अंदर ये जो मेस है ये बहुत रिफाइन हो जाएगा। पहले जो मेस था उससे ये मेस बहुत यूनिफॉर्म हुआ और बहुत रिफाइन भी हुआ है। आप देख सकते हो ये जो मेस हुआ वो बहुत यूनिफॉर्म और रिफाइनमेंट भी हुआ है। यहाँ पे जो एलिमेंट का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है पहले से, इसका नोड भी ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो नोड्स है वो है 23,229, और उसके एलिमेंट का जो नंबर है वो है 22,880। तो ऐसे आप किसी भी चीज़ का और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मेस है वो आप यूनिफॉर्म कर सकते हो। आपका जो सॉल्यूशन का रिजल्ट है वो बहुत एक्यूरेट आएगा। वो इटरेशन जो होगा, अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसे इटरेशन करते हैं। तो इटरेशन जो होगा वो बहुत एक्यूरेट होगा, उसका वैल्यू बहुत कन्वर्ज होगा आपका प्रैक्टिकल वैल्यू वैल्यू के साथ। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है। अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपको इसको मिनिमाइज करके जाना है। मिनिमाइज करने के बाद आपके सामने ये जो मेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टिक आ जाएगा। उसके बाद आपको मेस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे अपडेट कर देना है। अपडेट करने के साथ साथ आपका जो मेस है वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे अपडेट हो गए। तो आप ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मेस क्रिएट कर सकते हो, यूनिफॉर्म रिफाइनमेंट कर सकते हो। नोड्स एंड एलिमेंट को इंक्रीज करने के साथ साथ आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट एंड प्रिसाइज होगा प्रैक्टिकल रिजल्ट के साथ। तो ऐसे आप मेस क्रिएट कर सकते हो। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो सेटअप सॉल्यूशन रिजल्ट के ऊपर आएगा। तो वीडियो देख लीजिए, आप अच्छे से एनसी सीख जाओगे। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।